एवरीबॉडी कम हियर, ये अंडा उसी के हक में जाएगा। चुप रहो, ये गलत बात है। हाँ, मैं क्यों जीतूं? चलो भाई लाइन से लग जाओ, सारे आ जाओ। कोई बात नहीं, पीछे लड़ाई हो रही है हाइट के पीछे। ओए खड़ा सीधा रुक जा भैया, ओए आवाजी नहीं करेगा कोई भी। मैं समझ गई हूँ। मैंगो शेक बना मनी ने गेम खेलेगा, गेम मीठा होएगा। बेइज्जती ना तूने कराई, पता है इसका इन्वेंट जो है वो हनुमान जी ने किया है। आप तो हमेशा होस्ट होते हो। मैं क्यों नहीं खेलूंगा? यहाँ पे थोड़ा झगड़ा इन चीजों को लेके, कुछ भी हो सकता है। उसके सिर में मार के फोड़ेगा। मैं नहीं कर रहा बाबा, चूड़ा बांध के बैठी थी। ओह बहुत कर लिया, मैं करी लो खाऊंगी भगवान। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया चीकू आ गया है ट्यूशन से, और क्या पढ़ाई करके ये बता दे तू। पापा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये अभी तक ये चल रही है, इससे आगे नहीं पढ़ा तू? मैंने सुना तू इंग्लिश इंग्लिश भी आ गया आजकल। यस मैम। यस मैम, मैं मैम हूँ। तो गाइस ये जो अंडा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये अंडा जाने वाला है हम में से किसी एक के मुंह में, वो भी सिर्फ कच्चा। तो गेम क्या है वो बताएंगे आपको अरमान जी। एवरीबॉडी कम हियर। तो गाइस गेम क्या है, अभी कच्चा अंडा तोड़ के हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर ये सब रख देंगे, और एक एक बंदा अपने मुंह से कैसे गिरेगा बाल, जो लास्ट का बच जाएगा ये अंडा उसी के हक में जाएगा। तू पहले काम करते वो कर लेते ना, भूखा पकाई लाइन में लग जा चुपचाप सीधे सामने से, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, जो लास्ट में वो सबसे पीछे, ठीक है? यानी कि मैं सबसे पीछे। सुनो पापा, आज भी आप जीत जाना। चुप रहो, कह रहा भाभी आज भी आप जीत जाना, कल जीतेगा। मतलब जो लास्ट में इसको कवर वो हटा देगा, जिसका लास्ट का पत्ता आएगा जिसके हिस्से में, वो फूक मारेगा, जिसका पत्ता गिरेगा उसको ये लास्ट वाला पीना पड़ेगा। पापा सुनो, क्या बोलते हैं, जो ये बंदा एक बार कर लेगा वो वापस पीछे जाएगा, फिर वापस से आएगा। दोबारा है, दोबारा है, ठीक है शुरू करें। मैंने अपनी पहले अंडा तोड़ के डाल दे फिर अंदर, ठीक है जी। क्या बात है चीकू, कैमरा मैन मैं हूँ। ये गलत बात है, नहीं कोई बात नहीं, जब मेरी बारी आएगी मैं कैमरा किसी और के हाथ में दे दूंगा। ये कर लेना, जीत जास तू। हाँ मैं क्यों जीतूँ? हाँ कह रहे हो, हमेशा रोज जीतती हूँ ना, आज मैं मौका दूंगी जीतने का। और इसके बाद एक और खतरनाक गेम होने वाला है, और पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पे हनुमान जी ने मंगाई है 8 गुल्लक। आज वाले ब्लॉग में ना गेम ही गेम रहेंगे, थोड़ा सा ट्रेनिंग रहेगा चीजों को लेकर, ठीक है? पैसे मिलेंगे गुल्लक के, गुल्लक के अंदर बहुत सारी चीजें डालेंगे, और गुल्लक के अंदर वाला गेम बाद में बताऊंगा, पहले ये खेल लेते। मैं गुल्लक वाला खेल लूंगा। अच्छा। अब गुल्लक तोड़ने है क्या? चलो भाई लाइन से लग जाओ, सारे आ जाओ। तो गुड्डू मैं करूंगी कमेंट्री। मारनी है। देखो गेम क्या रहेगी, उससे छोटा आगे, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, एज वाइज भी हम डिफरेंस में लगा सकते हैं, यानी कि मैं सबसे पीछे हूं। चलो भाई पीछे बताओ, लास्ट का बचे कोई बात नहीं, वो तो टाइम बताएगा, ठीक है? आ जाओ यार, टाइम मत खराब करो, मेरी मीटिंग भी है। मेरी एज 18, पायल है 15 की। बकवास मत करो, मैंने तो बोला ही नहीं। हाइट के अकॉर्डिंग आ जाओ फिर, चलो ज्यादा मत करो, हाइट के अकॉर्डिंग आ जाओ। मेरे को हमेशा डिसएडवांटेज मिलता है, मेरी हाइट इसके बाद। हट जा, पीछे लड़ाई हो रही है हाइट के पीछे। आज छोटे होने के लिए लड़ाई हो रही है, लोग कहते हैं मैं बड़ा हो जाऊँ मैं बड़ा, आज छोटे होने के लिए लड़ाई हो रही है। गुरुजी छोटी नहीं चिपले, छोटी सी लंबी लग रही है। मेरे को पता थी पहले, मैं छोटी नहीं करूंगी। अच्छा, छोटी सी लंबी लग रही हूँ, 1 इंच की तो छोटी थी मेरी। मैं रिजेक्ट हो गया भाई हाइट। मेरे पीछे आ जा, देखो तमीज से ना हाइट में आ जाओ सारे भाई, ऐसे लंबी हूँ मैं। ये लंबा लग रहा है, इसके पीछे जाओ। ओए खड़ा सीधा, चलो चलो बराबर के हो गए सब लोग, और सबसे पीछे हूँ मैं क्योंकि हाइट मेरी ज्यादा है। रुजा भैया आवाजी नहीं करेगा कोई भी। तो गाइस बस शुरू कर रहे कार्यक्रम, और चीकू आ गया सबसे आगे। चलो चीकू गिरा गिरा चीकू, इन्होंने रूल्स नहीं सुने, ढंग से नहीं सुने ना, जान गई। और था अगला अंडा ले आ भाई, शोर हम बच गए। एक अंडा ही है, हाफ रहे है, आग गया जाए मुंह पे बैक आ जाए, पता नहीं लगा। अरे और करते हैं गेम के रूल थोड़े से चेंज करते हैं, जो भी ऐसे मुंह से फूक मारेगा उसको ना 1 से 2 ही पत्ते गिराने, सारे नहीं उड़ा देने, ठीक है? ये पता है, ये आपने किसके लिए बोला है? मेरे लिए, पायल के लिए बोला है। मैं समझ गई हूँ पापा। पायल और गोलू को पीछे खड़ा करना भाई, अपनी बारी। ठीक है हम पीछे चले जाएंगे। चलो भैया दोबारा एक अंडा और पेश किया जाए, तुम पीछे जाओगे, गोलू और पायल, चीकू पीछे जाएगा, इसको नहीं हुआ था ना वो आ गया। मम्मी कह रही हो इस बार हम पक्का फूक थ्री मारेंगे। वैसे हमें गेम में सटा देना चाहिए अब, क्यों हमारा तो हो गया, मैं गेम से आउट हूं, मेरे तो हो गई बात। हां ये जो बच्चे इनका होना चाहिए, जो बच्चे उनको लाओ। गाइस फिर से इस रोमांचक गेम का स्टार्टअप होने वाला है, और पहले कैंडिडेट है लक्ष, देखते हैं ये कितने पत्ते गिरा पाएगी। गिरा दे सारे, चल गिरान तो दे पहले, राहुल का देखते हैं।
जलन कहाँ है पहले वो तोड़ू। अगर ऐसे लोग हमारे गेम में हुए ना तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग ही चाहिए। दोनों आप जितने बचे ना उनको फिर से होगा, एक अंडा और लाओ। अगली बार मेरा गिलास धोके रख दिया भाई, अंडा तो पी लेंगे हम। रोली बाबू दूसरा ग्लास रख। आप भी अपने घर में खेलना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप अंडा नहीं खाते हो, शाकाहारी हो, तो उसकी जगह कुछ और कर सकते हो, पर बहुत मजा आएगा खेल के देखना। अब जो बाकी हमारी टीम बची है जिनकी फूक अभी तक मारी नहीं गई, तो उनको हमने लाइन में लगा दिया। तो गाइस अब जो आ गए ना वो आ गए बॉयज टीम, बॉयज टीम में सारे हैं। तो देखते हैं अब कौन जीतता है कौन हारता है। जीतने वाले को होगा अंडे का सामना, हारने वाला बच जाएगा। चलो आ गए अनुज, देखते हैं ये हमारा धुआंधार परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। भैया ध्यान से फूंक मारना, नहीं कि पापा नहीं फंसने चाहिए, नहीं गुड्डू नहीं फंसेंगे। नहीं नहीं हमारा तो हो गया। अच्छा ये बात देख गलत हुई थी, अब देख सारे आएंगे दोबारा। जिसने फूंक नहीं मारी थी वो खेल रहे सारे, जिसने फूंक मारी थी वो लड़ गए। नहीं अगर पत्ता नहीं गिरे तो पीछे आना पड़ेगा ना भाभी, वो गेम से बाहर हो जाओ। बस के पांच पत्ते उठा ले ठीक, उन्होंने पहले ही बोल दिया भाभी। देख लिया देख लिया, मुंह में डाल के मैंगो शेक बना दिया। सबसे ज्यादा बेइज्जती ना तूने कराई, पता है और क्या इसको लग रहा था। गाइस ये बहुत मीठा है, आनंद आने वाला है। पेट भारी सा हो गया, अजीब सा हो रहा है। इतना सा अंडा था उससे भारी हो गया, इसने 10 अंडे दे दे कच्चे अभी खा जाएगी। शुक्र है मेरी बारी नहीं आई गाइस। तो अब लेके आ रहे एक और गेम जो शायद आपने अभी तक YT पे नहीं देखी होगी। इसका इन्वेंट जो है वो हनुमान जी ने किया है। तो यहाँ पे एक मेरे पास पेपर आपको दिख रहा होगा खाली, इस पे कुछ पर्चियां बनेंगी, पर्चियों पे कुछ लिखा जाएगा, पूरी गेम समझाएंगे आपको हनुमान जी। तो पर्चियां होंगी गाइस पूरी 8, जैसे किसी पे लिख दिया हरी मिर्च खानी है, फ्रूट खाना है, किसी में 500 रुपए, किसी में एप्पल है, किसी में अदरक खानी है, किसी में कुछ टास्क लिख देंगे, लसन लिख देंगे, फिर कुछ भी। तो वो जब गुल्लक में डाल देंगे, जो गुल्लक को तोड़ के पर्ची निकालेगा उसके ऊपर जो लिखा होगा वही करना होगा उसको। तो गाइस इसका मतलब कि जितनी गुल्लो कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं? 10 हैं, 10 लोग, 10 लोग हैं तो 8 गुल्लो के, दो कौन निकलेगा? नहीं खेलेगा ना, और मैं होस्ट हूं। आप तो हमेशा होस्ट होते हो। मैं क्यों नहीं खेलूंगा? इसमें से ना दो टीम बना देते हैं, यानी कि जैसे गोलू और ये, तो ये दोनों मिलके ना एक गुल्लक चुन लेंगे, जो उसके अंदर होगा दोनों खा लेंगे मिलके। हाँ ये भी सही है। और बाकियों को सिंगल सिंगल दे देंगे। भाभी मुझे बता देना कौन से। बताने का कोई फायदा नहीं है, सब में अलग अलग है। नहीं गुल्लक पे पता कैसे चलेगा? सब पर्ची में 10-20 हजार डाल, सही नहीं है शादी आपकी? सारी पर्चियों में 10-10 हजार। तो गाइस पर्चियां रेडी है, चीकू डाल रहे हैं हर एक गुल्लक में, फिर सारे गुल्लक को मिक्स कर दिया जाएगा। तो गाइस यहां पर कार्यक्रम हो गया शुरू, और पहले कौन जाएगा दूसरे कौन जाएगा इसकी भी हम पर्चियां डाल रहे हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा झगड़ा इन चीजों को लेके कि पहले मैं चुनूंगा या तू चुनेगा। तो भैया 8 पर्चियां और बना लो। और हाँ। तो ये इन सब के लिए जो है स्पेशल चीजें हैं, मैंने यहां पे ऑर्गेनाइज की। एक चीज और रह गई, अभी वो आ रही है, ये माल तैयार है। तो बस सोच के समझ के पर्ची उठाना और गुल्लक फोड़ना। 5 चीज खाने वाली, कुछ भी हो सकता है। चीकू इधर आए, इधर चीकू जल्दी आ, इधर खड़ा। अब दिखाते रहे, चीटिंग मत करियो। रुक जा भाई, चीकू शुरू करें। चाचू पूछेगा किसका, तुझे नाम लेके बताना है उसका, ठीक है? ये किसका नंबर है? अनुज। ये किसका नंबर है? गिरी चचुआ। ये किसका है? लक्ष्य जी का। ये किसका है? पापा का। पहला अपना, चलो ठीक है। ये किसका? पाल मामा का। ये किसका है? नितिन चाचू का। ये किसका है? बोलू मामा का। मैंने कुछ सस्पेंस किया, अभी बताऊंगी नहीं, जब गुल्लक फूटेगी तब पता चलेगा। चलो पहले किसका है? अच्छा मैं ऐसे हो सकता है पहले वाले ना दो नंबर वाले उसके सिर में मारे फोड़ेगा। दो तो मैं हूँ जी। चलो जी, कड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे। क्या निकला? अबे रुक तो, मैं तो बीवी हूँ। क्या हो गया, तूने तो लिखा है? मैं भी हूँ। अबे रुक तो जाओ, प्लीज बता दो ना। मैं देखो मैंने तोड़ा है 1000 रुपए। चलो दूसरा नंबर किसका है? मेरा। दो पर्ची है, दो पर्ची है, तो तुम्हारी गलती है। सूखा आटा मिर्ची, सूखा आटा आप खा लो, मिर्ची मैं खा लूंगा। नहीं मिर्ची मैं खाऊंगा, सूखा आटा आप खाओ। मर्ची है, जाओ उधर बैठ खा लो। थोड़ा थोड़ा खा ले, थोड़ा सा खाएगा चलेगा, थोड़ा सा भाई पूरा पूरी खा। पूरी मिर्च खावे नहीं, तेने दिमाग खराब हो जाएगा। चीकू ड्रामे मत कर, फटाफट ना आटा खा ले। कोई नहीं बच्चा भाई, इसके लिए छोटे थोड़ी सी भाई। चल भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी कैसी थी, चूड़ा बांध के बैठी थी, चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला। पहले मेरे को बता दे, मैं लोगों को बता देती हूँ। अदरक ये तो पायल चाय में पीती रहती है, तो मुश्किल है खाना गाइस, बहुत ही ये खा रही हूँ ना। वैसे इसको मैं चाय में डाल के खा सकती हूँ? चुपचाप खा ले।
कोई बात खा ले खा ले। चार नंबर वाले कौन है? चार एप्पल है। आईफोन एप्पल मांगे। एप्पल तो रखा नहीं हुआ इसमें। ये भूल गई थी मैं। और सुनो। पांच नंबर। पांच इसका है। हम दोनों साथ में थे ना? मैं खुद तोड़ूंगी अपना, ठीक है? फोकस करना है तो। मेरे दिल ने बोला ये। मतलब ये गाइस, जो मेरा दिल बोलेगा वो आज से मैं नहीं करूंगी। क्या नंबर कौन है? मेरा धीरज। धीरज मेरा इसके बाद है। कर दे काम। रखे थोड़ा टेढ़ा कर ले इसको। ओहो धीरज भैया का क्या निकला भाई? धीरज का लसन लसन लसन। अब नंबर मेरा इसका ये है कि मैं करेला खाऊंगी। एक में 500 है। हां मेरे को बोल रही 500 की किस्म। मैंने कहा मैं तो पर्ची बुलाई थी। देखो वो तो अपने आप लक्ष्य, इसमें 500 निकल गया तो लक्ष्य जीत जाएगी। करेला रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुझे खेलने गेम नहीं खेलना? हां तो अपनी जगह राहुल को भेज दे। मैं गद्दार नहीं हूं गाइस। अब मेरी किस्मत है, देखती हूं मुझे करेला मिलता है 500 रुपए। समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी फोड़ू। मेरा बताऊँ क्या मन करे, दोनों ही फोड़ दूँ। तू बता 500 रुपए में मिलेंगे फिर? मैं किसी को 500 रुपए देके करेला खिलवा दूंगी। 500 रुपए देके मुझे करेला खा सकता हूँ। ये फोड़ दे ये। चल ठीक है 1 2 करेले खाने से खून बढ़ता है तो ये सारे खा जाएगी। एक फेस क्लीन होता है, बहुत एडवांटेज है करेले के। ये दो और दे इसको। शी इज तुबा मलिक एंड ही इज अयान मलिक। जयान मलिक स्लीपिंग। तबियत इसकी ना, होमोग्लोबिन की जो रिपोर्ट्स है वो आनी थी एक बार। वैसे मैंने वरुण जी से पूछा है, उन्होंने बताया कि एक बार शाम को ले जाना पड़ेगा इसे। तो गाइज आज हम गए थे अरमान जी के साथ कुछ खाने पीने, बस अभी आए हैं। और यहाँ देखिए जैद जो है जगा हुआ है, बाकी दोनों भाई बहन इसके सो रहे हैं। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।